आज बहुत दिन के बाद मैं फेसबुक लाइव में आ रहा हूँ। आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना था, थोड़ा सा बात करना था। आपको ये भी कहना था कि बहुत आखिरी एक 2-3 हफ्ते में बहुत चीज़ हो रहा है, और मुझे लगा कि वी शुड बी इंटरेक्टिंग, टॉकिंग टू अ पीपल डायरेक्टली। और मैं इस माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से, मैंने बहुत लोगों से कम्युनिकेट किया है और कनेक्ट किया है। और मेरा रीज़न इसके लिए है क्योंकि मुझे लगता है कि जब कभी बड़े बड़े जनसभा होते हैं, बड़ा रैलीज होता है, तो बहुत समय एक स्पीच में, एक भाषण में, हम लोग का जो एक फ्लो है, उसमें हम लोग कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हम लोग भूल जाते हैं बोलने के लिए। आई वॉन्टेड टू फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले सबको कहना चाहता हूँ कि हेलो सुहेल, गुड टू सी यू सुहेल। सबको कहना चाहता हूँ कि आपने हमारा बाइक रैली जो हर हर जगह में हुआ है टिपरा का, आपने उसको सपोर्ट किया है। मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ये बाइक रैली में मैंने सबको रिक्वेस्ट किया है कि आप कोई भी व्यक्ति, कोई भी लीडर के खिलाफ मत बोलिए। हमारा फोकस सिर्फ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरुद्ध में है, और हमें उसी में कंसंट्रेट करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन लीडर क्या बात कर रहा है और वो कौन से पार्टी का है। वो हमसे कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ अपने काम से काम रखना है। हम लोग बहुत समय किसी और को निंदा करते हुए अपना जो काम है वो उसमें ध्यान नहीं देते, और मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारा जो कंसंट्रेशन है, जो हमारा फोकस है, वो असली इशू से हट जाए। ये मेरा रिक्वेस्ट है। फिर से ये रैलीज ख़त्म होने के लिए आ रहे हैं, 2-3-4 रैलीज और बाकी है, उसको आप सक्सेस बनाइए, ज्वाइन कीजिए, थानचा के लिए बात कीजिए, एकता के लिए बात कीजिए, ये बिल हमारे लिए क्यों डेंजरस है उसके लिए बात कीजिए। एक दूसरे से ये भी सोचिए कि हमने 70 साल से इतना वोटिंग किया है, लेकिन हमको सोशल, इकोनॉमिक, आर्थिक का राइट्स नहीं मिला है, ज़मीन नहीं मिला है। सिर्फ इलेक्शन के पहले हमें सब आकर, सब नेता लोग आकर बोलते कि अगर आपने हमको वोट किया तो हम आपको ये करेंगे, लेकिन अंत में क्या होता है, वही नेता ही धनी बन जाता है। हमारा दोहा, हमारा कामी, हमारा समाज को कुछ नहीं मिलता है। तो हमें पहले एक ऐसा स्ट्रेटजी, ऐसा प्लान निकालना चाहिए जहाँ में पहले हमारे कामी में, हमारे सोसाइटी में, हमारे दोहा में पहले कल्चर, सोशल, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े, और उसके बाद पॉलिटिकल राइट्स के बारे में मांगेंगे। हम क्या कर रहे हैं कि हमेशा पॉलिटिकल राइट्स में हम अपना सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल राइट्स नहीं मांग रहे, क्योंकि जो हमारे लिए हमेशा दिल्ली में जाकर बात करता है वो पॉलिटिशियन है या फिर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी से है। मुझे लगा कि मैं अगर इस समय अपने आप को कोई पॉलिटिकल पार्टी के संग जोड़ दूँ तो मैं अपना तीपरा सा का ही नुकसान कर रहा हूँ। जब मैं दिल्ली जाकर बात करता हूँ तो मैं अब कांग्रेस के लिए बात नहीं करता, मैं बीजेपी, आईएनपीटी, आईपीएफटी के लिए बात नहीं करता, मैं तिपरासा के लिए बात करता हूँ, और ये बहुत ज़रूरी है। और बहुत लोग ये बात नहीं समझ रहे हैं, उनको लगता है कि एडीसी इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं एडीसी में वोटर ही नहीं हूँ, दूसरा बात है मेरा कोई पोलिटिकल पार्टी नहीं है, तीसरा बात है अगर मुझे पावर ही चाहिए था मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था पहले से, या फिर बीजेपी में जाकर मुझे भी कुछ अच्छा पोस्ट, पोजीशन मिल जाता है। लेकिन ये अपने स्वार्थ के लिए नहीं है, मुझे सबसे पहले अपना तिपरासा का आर्थिक, सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेटिव और ज़मीन का अधिकार दिलवाना है। और जब तक मैं अपने लोगों के बारे ही बोलूँ और अपना मोथा और अपना नहीं बोलूँ तो दिल्ली भी हमें सीरियसली लेगी, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने सपोर्टर्स को ये भी बोलना चाहता हूँ कि आप जो मेरे ऊपर अटैक करते हैं
उसके ऊपर इतना डायरेक्टली अटैक करने, पर्सनल होने का कोई दरकार नहीं है। जिसको बोलना है वो बोलने दीजिए। आपको दिल में खराब लगता है, ठीक है, लेकिन इतना अपना ध्यान, बुबागरा बुबागरा है, बुबागरा को कोई कुछ भी बोले नहीं होगा, बुबागरा कुछ नहीं होगा। इसके लिए आप इतना अपसेट मत होइए। अपना जो काम है, ध्यान है, जो ताकत है, वो अपना थानचा के लिए लाइए। मनिहार देवर्मा ने कुछ स्टेटमेंट्स दिया था मेरे खिलाफ, बहुत लोग बहुत अपसेट, क्योंकि मनिहार को मैं पिछले 10 साल से जानता हूँ, 12 साल से जानता हूँ। मनिहार मेरे संग गाड़ी में बैठकर ट्रैवल करती थी कांग्रेस में, जब हम एक संग थे। जब उनको कभी भी सहायता हुआ तो मैंने किया, वो भी मेरे लिए पहले, जब अभी नहीं, भांगुए या वाकवाहन लाती थी, मतलब कि बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। और मनिहार का जो स्टेटमेंट आया पब्लिक रैली में, उसने कुछ कहा है मेरे खिलाफ, मैंने देखा है लोगों ने कैसा रिएक्ट किया है। मनिहार का फोन आया थोड़ी देर पहले, वो मुझसे माफ़ी मांगा उन्होंने, वो रो रही थी। मैंने कहा कि मनिहार, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, स्पीच में कभी कभी जोश में कुछ गलत बात निकल जाता है, तो मैं अपने लोगों को भी अनुरोध करता हूँ। मनिहार देवबर्मा ने जो भी बोला है, उसने मुझे फ़ोन करके माफ़ी मांगा है, सॉरी बोला है, बोला गलती से निकल गया। अब ये बात को आप छोड़ दीजिए, इसको इतना लंबा खींचने का दरकार नहीं। हमको अपना पॉजिटिव काम में ध्यान रखना है, ठीक है? और आप इसमें प्लीज मत पड़िए। रहा बात बहुत लोग जो मैंने देखा, ये जो स्पीच आप सीएम के बारे बात बोल रहे हैं प्रवीण देवबर्मा, ये अनंत देवबर्मा ने लास्ट ईयर जब मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था तब उसने वो स्पीच दिया था। ये स्पीच ये साल का नहीं है। और दूसरा बात है, अगर मुझे एडीसी में लड़ना होता तो मैं एडीसी का, मुझे वोटर बनना पड़ता, मैं अगरतला का वोटर हूँ, मैं एडीसी में वोटर नहीं हूँ। रहा बात ये जो बहुत लोग हर मेरा जो मूव है उसको पॉलिटिकली देख रहे हैं, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आप एक बार सुनिए। 70 साल से 90%, 92%, 93% हमारे तिपरासा लोग वोट कर रहे हैं। इंडिया में सबसे हाईस्ट वोटिंग परसेंटेज त्रिपुरा में ही है, हम लोग वोट करते हैं तो इतना वोट करते हैं। नागालैंड में 35%, 30%, 40%, मेघालय में 35%, 40%, मिजोरम में 35%, अरुणाचल में 40%, दिल्ली में आप बड़े बड़े जगह में शहर में जाएंगे तो 40, 25%, 30% ये होता है वोटिंग, ठीक है? तो हम ज़्यादा वोट करते हैं। लेकिन जब ये सीएए पास हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं कहा कि अरे त्रिपुरा के लोग तो वोट करते हैं, त्रिपुरा लोग तो बहुत डेमोक्रेसी को मानते हैं, गणतंत्र को मानते हैं, तो अभी हमको जाकर त्रिपुरा के बारे में सोचना चाहिए। किसी ने नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि जो आपका वोट है, जो कागज का पर्ची है, उसका मतलब कुछ नहीं होता जब आप पुअर क्वालिटी लीडर्स को चुनेंगे। इसी के लिए मैंने सोचा है कि हिंदुस्तान में अभी अभी, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूं, तो सब लोग बोल रहे हैं कि महाराज आप इलेक्शन देख के कर रहे हो, या मतलब जो मेरे खिलाफ है, मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूं, अपना दिमाग थोड़ा हटाइए, आप थोड़ा सा नया सोचिए। देश को अगर आगे बढ़ना है तो नया सोचना पड़ेगा। आज तक त्रिपुरा के लिए किसी ने ईडीसी के बारे कुछ नहीं पूछा है, और पूछा है तो इलेक्शन के संग जोड़ा है, रिजर्वेशन को इलेक्शन के संग जोड़ा है। हमारा जो जमीन का जो लैंड होल्डिंग सिस्टम है उसको आपने इलेक्शन के संग जोड़ा है। मैं ये सबको इलेक्शन से बाहर रखकर इसका दिल्ली से बात करना चाहता हूँ। मैं इसको बाहर रखकर अपना अधिकार के बारे बात करना चाहता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि आप रियांग का इशू देख लीजिए, रियांग का इशू को अगर मैं इलेक्शन के संग जोड़ता, ठीक है, तो ये रियांग का इशू कभी समस्या का समाधान नहीं होता, क्योंकि हमने इसको इलेक्शन से बाहर रखा। इसी के लिए आज रियांग इशू का समाधान हुआ है। और ये जो लोग हर चीज में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये त्रिपुरा का कल्चर है। त्रिपुरा का कल्चर क्या है कि आप कुछ चीज भी सफा दिल से अपने लोगों के बारे नहीं मानते हो। जिस दिन एक बंगाली बंगाली के समस्या का हल के लिए पॉलिटिक्स को बाहर रखकर बंगाली के बारे बात करे,
उस दिन बंगाली का समाधान होगा, जिस दिन एक मुसलमान अपने आप को वोट बैंक ना समझे और जाकर नहीं बोले कि मेरे पास इतना वोट है, आप मुझे मदद कीजिए, मैं आपको वोट दिलवाऊंगा, उस दिन मुसलमान का समाधान होगा। मुसलमान वोट बैंक हिंदुस्तान में नहीं है और बनना भी नहीं चाहिए। जिस दिन हम तिपरासा लोग बोलेंगे कि आपने आज तक नेता से बात किया है, 70 साल से हमने नेता को वोट किया है, 70 साल से दिल्ली ने नेता से बात किया है, आप अब नेता से तो बात कर रहे हैं, हमसे भी बात कीजिए, हमारा प्रतिनिधि हम चुनेंगे और वो जाकर बात करेगा, और वो पहले हमारे बारे बात करेगा, ना कि मुझे एमपी एमएलए, मुझे अलायंस में इतना सीट चाहिए, आप इतना रखिए, वो करेगा। हमें ऐसा लोग चाहिए, ऐसे लीडरशिप चाहिए जो दिल्ली में जाकर बूनी नहीं करे, धंधा नहीं करे। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और सब लोग बोलते हैं कि, और एक मेरा खिलाफ क्रिटिक का वो है, अरे 25 साल तक आपने क्या किया, अरे भाई आप हमेशा पॉलिटिक्स देखते हो। सब लोग बोलते हैं हरा तो मुसलमान, गेरुआ तो हिंदू। हिंदुस्तान का फ्लैग में सफेद भी है ना, हरा तो है, गेरुआ तो है, सफेद भी है। मैं सफेद लाइन में जाना चाहता हूं, जो क्लियर है, सफा है और जिसमें एक इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू थिंकिंग है। सब चीज राइट, सीपीएम बीजेपी, सीपीएम कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो भी मेरे लोगों के लिए काम करे, जो भी मेरे लोगों के लिए, मेरे पास ये 5 पॉइंट्स हैं, आप इसको रखिए और अगर आपने इसका समाधान किया तो मैं आपके संग हूं। अगर ये मेरे 5 पॉइंट्स और आपने समाधान नहीं किया और आपने हम लटकाया तो मैं आपके खिलाफ हूं। मेरा व्यू बहुत ही क्लियर है, तो आप ये बात को समझिए। और आखिर में मैं फेसबुक के थ्रू सबको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, बहुत लोग हमें डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, बहुत लोग नफरत फैलाते हैं। मैंने अभी कह दिया कि मनिहार ने माफ़ी मांगा है, मैंने उसको कहा कि ठीक है, नो प्रॉब्लम, आपने इलेक्शन के स्पीच में जोर से कुछ बोल दिया, वो बात को आप छोड़ दीजिए, प्लीज़ छोड़ दीजिए। और आने वाले 2-3 दिन में मैंने रिक्वेस्ट किया है कि हम सबको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, सेलिब्रिटीज, एनजीओस को सबको एक बार उजियंता पैलेस में बैठकर डिसाइड करना चाहिए कि हमको एक आवाज़ में हमारा जो सीए का विरोध हो रहा है उसका समाधान चाहिए। बोडोलैंड में आपने अकॉर्ड किया, मणिपुर में आपने उनको एग्जेम्प्ट किया है, अरुणाचल से आपने कहा है कि आप चकमा हाजोंग को वहां में वहां से हटाकर कहीं और रखेंगे, मेघालय के मुख्यमंत्री से आप बात कर रहे हैं, सिक्किम में आपने समस्या का हल कर दिया है, तो हम त्रिपुरा जिसने पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा वोट किया है, आप हमारे बारे सोचिए, आसाम के बारे सोचिए, मेघालय में जो आउट ऑफ सीए एग्जेम्प्टेड एरियाज है उनके बारे सोचिए। माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज दैट डोंट लिंक पॉलिटिक्स विथ आर निगोसिएशन। वी हैव टू गो टू दिल्ली एंड इन दिल्ली वी हैव टू स्पीक नॉट एज कांग्रेस, बीजेपी, आईएनपीटी, आईपीएफटी और एनी पॉलिटिकल पार्टी, सीपीएम। वी हैव टू गो देयर एंड स्पीक एज पीपल हु हैव बीन अफेक्टेड बाय लार्ज स्केल माइग्रेशन एंड इन 70 ईयर वी हैव वोटेड ओवर 90%, येट स्टेट्स विच हैव वोटेड ओनली 20, 30, 35, 40%, have been voted, and people who have believed in the democracy of India, who have kept on voting in large numbers, still haven't been heard. So there is something very wrong. What is wrong? The wrong is that the leaders we have elected have not been able to convince New Delhi about our genuine problems. So my point is that I would request all of you all to keep politics aside and speak for the people of our state who have suffered. राज टीजर बूस, आपको लड़ना है मुझसे, आपको मुझे कॉम्युनल बनाना है, आपको राख टीजर, आपको जो भी करना है आप कीजिए, ठीक है, मैं आपके लेवल तक नहीं गिरूंगा। आप
जानते हैं कि मैं कॉम्यूनल नहीं हूँ, आप जानते हैं कि मेरे पास बहुत बंगाली फ्रेंड्स भी हैं, आप जानते हैं कि मैंने जब अपने लोगों के लिए बोला तो मैंने किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं बोला। आप भी अपने लोगों के लिए बोलिए, जब आप अपने लोगों के लिए बोलेंगे तो मुझे नहीं लगेगा, क्योंकि आप अपने लोगों के लिए बोल रहे हैं इसका मतलब है कि आप मेरे खिलाफ हैं, ठीक है। तो आप ये जो घसा पिटा पुराना थर्ड रेट पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, उसका समय अगर आपको रखना है तो त्रिपुरा जितना पीछे है उतना पीछे ही रहेगा। अगर आपको आगे बढ़ना है तो बी पॉजिटिव, इफ यू कांट बी पॉजिटिव देन डोंट कम माई फेसबुक पेज, बिकॉज पीपल लाइक यू आर नेगेटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी ओनली स्प्रेड्स हेट्रिड एंड आई एम नॉट अ पर्सन हु हेट्स एनी कम्युनिटी। इसके बाद अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क मी। हाय वंदना, हाउ आर यू? देखिए मेरा पॉइंट है कि आने वाले दिन में इन नेक्स्ट फ्यू डेज मैंने सबको रिक्वेस्ट किया है कि एक जॉइंट मीटिंग हो अक्रॉस ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, और हम लोग एक आवाज़ में जाकर दिल्ली से बात करें। अगर आपने बोडो से बात किया है, आपने आप दिमासा से बात कर रहे हैं, मेघालय से बात कर रहे हैं, आपने मणिपुर से बात किया है, तो हमारे साथ क्यों नहीं बात कर रहे हैं? और हम दिल्ली जब जाकर हम पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करना चाह रहे, आपने 70 साल से सिर्फ पॉलिटिक्स बात किया है। इस बार मैं जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओपन बॉर्डर के संग क्या करेगा। सिमला से लोग रोज आ रहे हैं, ख्वाई से लोग रोज आ रहे हैं, रायमा वैली से आ रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि 6th शेड्यूल में हमको क्या प्रोटेक्शन दिया जाएगा, आप हमको लिख के दीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि CAA EDC में इन्फोर्स नहीं होगा, EDC में आप इन्फोर्समेंट नहीं चाहते हैं, तो मुझे बताइए कि आप हमारा ज़मीन का सुरक्षा कैसे करेंगे TLR एक्ट में। आपने बहुत लोगों ने कहा है कि हमको डायरेक्ट फंडिंग चाहिए, तो आप मुझे बताइए कैसे, जैसे आपने बोडो का पूरा काला ब्लैक एंड व्हाइट किया था, हमारा भी ब्लैक एंड व्हाइट कीजिए। हमारे बहुत उग्रपंथी लोग हैं जो मतलब कि जिंदगी जंगल से एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते हैं। आपने नागा से बात किया है, आपने बोडो से बात किया है, आप कश्मीर से बहुत लोग से बात कर रहे हैं, आप माओ से बात कर रहे हैं, तो हमारे त्रिपुरा लोगों से भी बात करने में आपको क्या आपत्ति? अगर आपको लगता है अगर मैं कुछ कर सकता, मैं रेडी हूँ। मैं सिर्फ प्रॉब्लम का समाधान चाहता हूँ, और मैं जानता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है, क्योंकि 70 साल से अगर किसी ने कहा था कि ये डेमोक्रेटिक प्रॉब्लम है तो ये गलत बात। मुझे लग रहा है कि 70 साल से हमें न्यू दिल्ली सिर्फ पॉलिटिकल व्यू से देखा है, सोशल इकोनॉमिक और आइडेंटिटी पॉइंट से नहीं देखा है। मैं ये पॉइंट को दिल्ली में रखना चाहता हूँ। अगर आप लोग सब ऑर्गेनाइजेशंस मुझे सपोर्ट करें तो मैं जाकर हमारा जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करूंगा, ना कि मुझे MP बनाओ, ये अलायंस करो, इनको पावर, ये पॉलिटिक्स चलता रहेगा। इससे हमको अपना जो रियल इश्यू है उसके बारे बात करना। जी ठीक है, थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया। हाँ मैं रियांग डांस कर रहा था उस दिन, मुझे बुलाया गया। देखो अगर अपने लोगों को आप प्यार करते हो, मैंने ज़िंदगी में डांस नहीं किया, लेकिन जब मुझे बुलाया तो मैंने डांस किया। मैं आई लव माई पीपल, आई विल ऑलवेज माई पीपल एंड आई विल नेवर स्टॉप, नेवर एवर स्टॉप फाइटिंग फॉर व्हाट आई बिलीव इज़ द ट्रूथ। यू मे बी अलोन समटाइम्स, बट इफ यू आर श्योर दैट यू कैन फाइट फॉर योर पीपल, यू विल ऑलवेज बी देयर। रसमोय देव वर्मा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं CAM बनना नहीं चाहता हूँ। आई वुड रादर बी अ गुड ह्यूमन बीइंग हु इज वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ माई स्टेट। किसका मैसेज आ रहा है यहाँ? आई एम सॉरी, चलिए थैंक यू। जिसने भी कुछ कहा है मेरे खिलाफ उनको रिएक्ट मत कीजिए, उन लोग इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए।
जाने दीजिए, में भी दाल चावल जाना चाहिए, आप उनको रिएक्ट मत कीजिए। हमारा लक्ष्य ऊपर है, जो हमारे संग है वो है, जो हमारे संग नहीं, मैं उनको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ, मैं उनके खिलाफ भी नहीं बोलूँ, वो उनका लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य कुछ और है। लक्ष्य है अपना दोहा, अपना मोथा, अपना समाज को आगे करने के लिए, ना कि किसी को करने के लिए। और संजय, मैंने कह दिया है, मनी ने मुझे फोन किया, वो उसने मुझसे सॉरी कहा है, बात खत्म हो चुका है, उसने सॉरी बोला है। अगर आप अपने आप को बड़ा समझते हो तो माफ करने का सोचिए, और जो भी वो कंचन एक व्यक्ति, उसके खिलाफ आप लोग बोल रहे हैं, प्लीज बोलिए, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर वो इम्पोर्टेंट होता तो वो अपना एक कदम, उसका कोई इम्पोर्टेंस है, उसको इतना इम्पोर्टेंस, उनको इग्नोर कीजिए, उससे कुछ नहीं। बेलाई बेलाई नो हम बाय, धन्यवाद, खुलुमखा हर कहाम, हैव अ ग्रेट डे। मैं आप सबसे सिर्फ आपका सपोर्ट चाहता हूँ, और कुछ नहीं चाहता हूँ, वोट भी नहीं चाहता हूँ, सिर्फ सपोर्ट चाहता हूँ और आशीर्वाद चाहता हूँ। आई लव ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।